चलो ग्रेट सो नाउ इन अ वे सिंस काफ़ी लोग पहले आके हैंड्रेस करके बैठ जाते तो uh, वहाँ पे ये भी वी हैव गॉट द फीडबैक कि बहुत लोगों को चांस नहीं मिलता है सो इन अ वे वी हैव स्टार्टेड थोड़ा सा उसमें एक्साइटमेंट या थोड़ा चेंज करने के लिए सो एज़ ऑफ नाउ वी विल एक मिनट में अनोटेशन बंद कर देता तो, हूँ यू विल हैव टू रेज योर हैंड्स है ना एंड जो हैंड रेज करेगा तो विल we'll, uh, अभी सबके हैंड्स लोअर करके आफ्टर विल सेट अ काउंट डाउन राइट आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिकट फास्ट एंड उस ऑर्डर में जैसे आपके हैंड्स रेज होंगे इन दैट मीन टाइम देन विल गिव दैम द चांस राइट तो इट इज़ लाइक मोर सिमिलर टू द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जो होता है तो अभी अभी सबके हैंड्स आई हैव लोअर्ड राइट एंड आफ्टर दैट डो नॉट रेज योर हैंड्स ना अभी बाकी लोग भी कर रहे सो एक बार वी विल हैव अ काउंट डाउन फ्रॉम थ्री टू वन एंड पोज दैट देन यू कैन रेज यूर हैंड्स ठीक है सो इन अ वे एक मिनट या नोटेशं मुझे डिसेबल करने दीजिए जस्ट ए मिनट आई लेज आई ले लोअर दैंड्स बिफोर इट स्टार्ट डोंट वरी It's actually a great idea, Yes, yes. So we'll start in three, two, one, and then you can go now. Great, great. So hands waape start okay. So first top is we got शाहिद जी देन जिग्नेश एंड डॉक्टर विनय कुमार सो दिस फर्स्ट थ्री आर दर पीपल राइट सो आई डेली यू बिलीव दैट रिस्पॉन्स टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है मार्केट में भी आपका एग्जीक्यूशन में आपकी स्पीड होना बहुत इंपॉर्टेंट है राइट इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन लोअर टाइम फ्रेम्स यू नीड टू हैव दैट आपका ऑर्डर एग्जीक्यूशन स्पीड आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए एंड uh, ये किसी के लिए है कि एक फन एक्सरसाइज है इन शॉर्ट दैट वी हैव स्टार्टेड विथ थॉट ऑफ स्टार्टिंग सो एक जस्ट एक रहेगा कि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी भी रहेगी फॉर यू गाइज टू स्टार्ट ज्वाइन दिस डाउट सॉल्विंग सेशन फ्रॉम द बिगनिंग एंड एट द सेम टाइम ऑल्सो एक हल्का सा जस्ट एक फन एलिमेंट उसमें ऐड हो जाएगा राइट ओके सो विल स्टार्ट विद मिस्टर शाहिद जी यस शाहिद जी आप फर्स्ट हो इन द लाइन सो यू कैन प्लीज आस्क योर डाउट गुड इवनिंग गुड इवनिंग

लॉजिक सर आर e. e. नहीं आरी बीबी वोल्टास में तो नहीं है मिनट के में बना है नहीं आर बीबी e. का ही, मतलब फिर हम अपने गलत वहां पे स्टडी किया आर बी e. का मेन कंसेप्ट क्या है कि पहला क्या होना चाहिए आर बी में हम जब देखते हैं तो फर्स्ट तो वोल्टास तो ने रेंज एक्सपेंशन यस रेंज एक्सपेंशन वोल्टास ने दिया है क्या उसकी एक भी कैंडल या विक पीडीएच के ऊपर या पीडीएल के नीचे निकली है क्या उसके तो नहीं उसके अकॉर्डिंग तो नहीं था तो फिर भी आरी भी एप्लीकेशन ही नहीं होगा अप्लाई नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ये जो है इसलिए ट्रेंड नहीं है ना ये इतना से जाके वो पूरा साइडवेज है उसका कुछ है ही नहीं स्ट्रक्चर बस साइडवेज मूव है और यहाँ पे आपका आरी भी कंसेप्ट ही अप्लाई नहीं होता है तो कंसेप्चुअली रॉन्ग है वो

तो आपका ये स्ट्रक्चर भी नहीं कुछ जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है सर वो नहीं स्ट्रक्चर आपका ब्रेक हो रहा है क्या है बट ये पीडीच पीडल के बीच में ना किसी को ट्रैप नहीं कर रहा है देखिए प्राइस एक्शन आपको ट्रेड करना है तो आप किसी भी ट्रेड को हम नहीं स्टॉक को उठा के नहीं ट्रेड कर सकते उसने किसी को तो फँसाना चाहिए ना किसी को ट्रैप नहीं कर रहा है ये साइडवेज है कौन ट्रैप हुआ यहाँ पे ना सेलर ट्रैप हुआ ना बायर ट्रैप हुआ तो वो एक तरीके से पूरा साइडवेज स्ट्रक्चर है यहाँ पे हम ट्रेड जबरदस्ती नहीं ढूंढना है हमें कुछ है हाँ ही नहीं जो रूल्स हैं हमारे वही अगर अप्लाई नहीं हो रहे है, तो कुछ नहीं हाँ अगर ये ऊपर से आता पी के ऊपर से चलो ये ट्रैप मारता किसी को साइडवेज मारता फिर रिवर्सल देता तब तो आप ट्रेड करते बट तो यहाँ कुछ है हाँ ही नहीं ना कोई ट्रेड ही नहीं है इसीलिए तो ये विप सॉस मार रहा है यहाँ पे इसको ब्रेक किया फिर एक इसको एंगल्फ किया वापस थोड़ा ऊपर जाके उसको ब्रेक किया फिर ये इस तरीके से गंदी तरीके से लॉक हो गया एकदम क्योंकि वॉलीम ही नहीं है ना उसमें तो ट्रेड गलत है यार है ना Uh, सर ये सब सबसे लास्ट आवर्स में एक uh, मुझे थोड़ा स्ट्रक्चर ब्रेक करने का कुछ आइडिया समझ में नहीं आ रहा है नहीं तो स... लास्ट में देख रहे हैं तीन बजे के बाद हाँ. जो है थोड़ा तो बड़ा करेंगे सर लास्ट क्वेश्चन ये, हाँ. ये डब्लू बन रहा है जो डब्लू जो बन रहा है हाँ बराबर तो सर जैसे ये हाँ ये तो यहाँ पे लास्ट में जो हमारा ये बना है पेंडल ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है क्या हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक कहीं भी नहीं ट्रेड कर सकते हो आप स्ट्रक्चर ब्रेक के पहले कुछ तो ट्रैप मार्केट ने देना चाहिए या कुछ तो ब्रेकआउट देना चाहिए या ब्रेकडाउन है यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है ना तो कहीं भी वो तो साइडवेज है साइडवेज में वो स्ट्रक्चर नहीं देखा जाता है जब साइडवेज होता है मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं काम करता है वहाँ पे। वो देखा भी नहीं जाता है और उसको किया भी नहीं जाता है ट्रेड ठीक है तो आपका यहाँ पे कंसेप्ट ही गलत है तो गलत डायरेक्शन में जाके जब ट्रेड नहीं है तो उसमें डिस्कस करके भी कोई मतलब ट्रेड है ही नहीं उसमें कोई भी जो हमने आपको कंसेप्ट सिखाया उसमें बैठता ही नहीं है ट्रेड अगर ये इंडेक्स रहे तो इंडेक्स में आप साइडवेज जैसे आप न्यूट्रल्स जैसे स्टैंडल्स है वही आप बना सकते हैं बट अब स्टॉक में क्या करोगे है ना तो ट्रेड नहीं है इसमें ठीक है चलिए थैंक यू ओके सर ओके थैंक यू यस जिग्नेश जी जिग्नेश मोदी जी यस आप की आवाज़ नहीं आ रही है आप अनम्यूट तो हो गए बट आपकी आवाज़ नहीं आ रही है यस विनोद जी रिकॉर्डिंग विल बी शेयर आप अनम्यूट हो गए आपका सोर्स चेक कर लीजिए मैं आपको अनम्यूट ही रखता हूँ एक बार सोर्स चेक कर लीजिए तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ यस विनय जी डॉक्टर विनय जी गुड इवनिंग हाँ जी गुड इवनिंग जी सर आपका जो स्कैनर है और बहुत सारा चीजें मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाता इसको ना मैं वो चीजें एक प्रॉपर वे में फॉलो नहीं कर पाता मैं ट्रेड लेने में मुझे बहुत होती है। नहीं, कौन सा आप आ, मतलब एक एग्जांपल जैसे आप जैसे आज जैसे आपने डिस्कशन किया ना सर तो जब आप लाइव होते हैं उसमें भी बोलते है हमारा स्कैनर अब ये चीजें बता रहा है स्कैन करके ऑटोमेटिकली कर देता है दस बजे यह दस मिनट बाद देगा Correct. जब मार्केट खुलता है तो बराबर तो आज के इसके शेयर कर सकते हैं सर क्योंकि मैं प्रेशर हूं तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं है नॉलेज uh, मार्केट का वो स्कैनर जो है वो एक्चुअली स्कैनर uh, वो आपका जो रिजल्ट्स uh, हम शेयर करते हैं वो सिर्फ कंप्लीट प्रोडक्शन स्टूडेंट्स के साथ ही शेयर होता है क्योंकि उसमें सिर्फ एक दो सेटअप नहीं होते उसमें बाकी के भी सेटअप्स है जो गेम चेंजर में कवर नहीं है राइट right, तो वो जो है वहाँ पे फिर उनके साथ ही ये शेयर होता है जहाँ पे अब ये जो स्कैनर की लिस्ट आ रही है अभी तो वहाँ पे अभी जो रहेगा कि वो लोग इस ग्रुप में मतलब अभी ऐड होंगे पहले हम स्कैनर के रिजल्ट खुद हम फॉरवर्ड करते थे बट अभी जो है ये लोग भी उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे स्टार्टिंग अभी नेक्स्ट वीक से एंड उनको वापस स्कैनर्स दे के यूज़ तो आइडली वो वहीं पे उस प्रोग्राम के लिए वो शेयर्ड होता है आ, बाकी आपको जो मोमेंटम के स्कैनर से गेम चेंजर में हम फॉरवर्ड करते हैं एक्चुअली जैसे ये आप मॉर्निंग में देखोगे तो जो मोमेंटम का है वो फॉरवर्ड करते हैं बट स्विंग और वो चीज़ जो वहाँ पे फॉरवर्ड होगी जैसे ये जो मोमेंटम के स्कैनर आ गए तो एच सी एल टेक आई टी सी आज आई टी सी भी बहुत अच्छा वर्क किया बुलिश अच्छा हुआ था थ्री नाइन्टी थ्री नाइन्टी फोर पर गया था तो एच सी एल ये बुलिश साइड थे और जील आई सी आई सी प्रू ये बियरिश साइड थे तो रिजल्ट हम शेयर करते हैं बट जो रहेगी बाकी के वो है, वो है सिर्फ उसी जो हमारे ट्रेडिशनल प्रोग्राम से वही हम लोग शेयर करते हैं तो, इंडेक्स दी बैंक हम देखते हाँ। तो आप ट्रेड देते हैं बजे के बाद मॉर्निंग में हमने ट्रेड किया था ना यहाँ पेल साइड जब ये इंडेक्स ने ब्रेक डाउन किया था यहाँ पे हाँ हाँ तब हमने वन मिनट के सेटअप में किया था इसको जब लाइव मार्केट में सर तो आप एक ब्रैकेट बना के मतलब बहुत सारा कॉल पुट करके ना उसमें वो मुझे पता नहीं चलता कि कौन सा लेना कौन सा क्या करना कैसे ऐड करना कभी जिरोदा बाय नहीं करने देता है जैसे हम लॉन्ग का लेना नहीं आप, आपको, आपको अगर मार्जिन में आपको बाय करने देगा मार्जिन में बाय कीजिए में एम में मत कीजिए एम में वो बहुत बार आपको ओ टी एम नहीं करने देगा आ, बट द मनी वगैरह आप बाय कर सकते हो जीरो दाम में ऐसा कुछ इशू नहीं है और जीरोधाम में प्रॉब्लम क्या था होता था? है ज़ीरो दाम में ऑप्शन बाइंग में आपको इशू ये होता है कि जीरोधाम में बहुत सारे यूज़र्स होने की वजह से उसके सर्किट जो एक ब्रोकर को एक मैक्सिमम लिमिट दी है एक्सचेंज ने वो फुल हो जाती है तो उसके वजह से आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगे ऑप्शन बाइंग सिस्टमेटिकली करनी है तो आपको जीरो दा के बाहर जाना पड़ेगा वहाँ नहीं कर पाओगे या तो एन में करो NRML में होगा फिर फिर तो सर आज जैसे का मैं लगा रहा रहा लग, लग रहा था 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 लग जा उसके बाद भी क्यूट नहीं हो डायरेक्ट तो जैसे सेल करना पड़ा तब तो जाके वो एनआरएमएल कीजिए आप एम आई एस में कर रहे है ना ऑर्डर टाइप जो मैंने बोला नौ, में। में, में, करते हाँ, हैं ओके, नहीं सर उसमें थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड क्योंकि ड्यू ओपन ला, तो इंटरेस्ट कम हो जाता है इसलिए ना वो बाय नहीं कर नहीं वो जीरो का वो हेडेक है इसलिए मैं जीरो में मतलब मैं बहुत पहले शिफ्ट हो गया क्योंकि वो ऑप्शन बाइंग आप ढंग से कर ही नहीं पाओगे जीरोधा में वो मतलब वो बहुत हेडेक है उसका सर्किट लिमिट हिट हो गया तो वो आपको एग्जीक्यूट नहीं करने देगा तो वो आप उसका एक ही ऑप्शन है दूसरा ब्रोकर आप चूज करो ऑप्शन बाइंग के लिए सेलिंग के लिए कोई इशू नहीं होता है बट बाइंग के लिए आपको जीरो दाम मतलब नॉट ऑप्टिमल। उनके पास बहुत यूजर बेस हो गया है वजह वजह से से एक्सचेंज उनका वो सर्किट लिमिट हिट हो बाकी के ऑर्डर्स जाते ही नहीं है right? एजुकेट करते हाँ. हैं तो मॉर्निंग है है नहीं, नहीं नहीं सेटअप जब मिलता है तब अपना टाइम होता है बट कैसा होता है अगर मार्केट जैसे बैंक निफ्टी पी डी के पास में ओपन हो रहा है जैसे आज यहाँ पे ओपन हुआ तो आपको फर्स्ट हाफ में कुछ ना कुछ सेटअप मिल ही जाता है फिर मैक्सिमम टाइम क्योंकि यहाँ पे या तो वो ट्रैप करेगा जैसे अब मार्केट अभी पी के यहाँ पे नीचे है अब क्योंकि एकदम से गिरा अगर कोई यहाँ पर सडन सेलिंग करेगा तो उसको यहाँ पर पहले मार्केट ने फंसाया बट यहाँ पर बायर का वॉल्यूम नहीं आया और फिर उसके बाद जब उसने मोमेंटम स्टार्ट किया फिर वो हमने उसको कैप्चर किया फिर जब वो वापस सेल करना चालू किया तो रिस्क क्योंकि सिर्फ 60 पॉइंट्स के अराउंड था 60 65 फाइव पॉइंट्स के अराउंड रिस्क था तो वो हमने ले लिया तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट एक तरीके से क्या हमेशा 40,000 के ऊपर ओपन हुआ तो जनरली क्या होता है कि 40,000 थाउजेंड एक बिकग्राउंड नंबर है साइकोलॉजिकल नंबर है तो इसी लिए आज देखोगे फ़ोर्टी थाउजेंड के डाउन पूरा डांस कर रहा था चार पाँच बार उसने डांस किया तो ये बिकग्राउंड नंबर होने की वजह से यहाँ पर यह होता है कि मार्केट हमेशा लोग के बायस बन जाते तो यहाँ पे फोर्टी थाउजेंड के ऊपर ओपन हुआ तो बहुत बार एक रहता है कि चलो फोर्टी थाउजेंड के ऊपर मार्केट ओपनिंग दे रहा है तो थोड़ा बुलिश हो जाते उन लोगों को पहले बाहर यहाँ पे इस मूव में उसने निकाला और फिर फोर्टी थाउजेंड के नीचे डिप हुआ पी डी के नीचे डिप हुआ तो बहुत लोग ज़्यादा ओवर बेरिश हो जाते कि आज तो मैं कॉल सेल करूँगा फोर्टी थाउजेंड का या थर्टी नाइन नाइन हंड्रेड का तो उनको यहाँ पर निकाला तो एक्चुअल मार्केट साइडवेज था बट हमने यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में जो मोमेंटम है ट्रेंड तो नहीं बोलेंगे बट मोमेंटम कैप्चर किया जब इसने एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद भी वो ऊपर नहीं जा पाया फिर हमने ब्रेक डाउन पर उसको कैप्चर किया और उसके बाद जो भी हमारा रिवॉर्ड उसने दिया 200 सौ ढाई सौ पॉइंट के अराउंड तो वो हम लोग वहाँ पर उसको कैप्चर कर पाए बस डेट्स एड सर इसमें कैंडल कितने मिनट के जैसे देखिए अभी होता है। अभी कैसा है कि आप फाइव मिनट्स आपको अगर बहुत अर्ली एक घंटे में करनी है तो वन मिनट और फाइव मिनट ये दो कैंडल्स टाइम फ्रेम्स यूज़ होते हैं एक्सटेंसिवली राइट अब सबसे पहले सीधा वन मिनट फाइव मिनट में कूदना नहीं रहता है जो एक हमेशा अगर आप इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो तो इंडेक्स के जो भी इम्पॉर्टेंट लेवल से वो आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में होनी चाहिए राइट right? कि जैसे यहाँ पे ये पता है कि बजट डे लो पे मार्केट थर्टी नाइन सिक्स हंड्रेड थर्टी नाइन फाइव हंड्रेड इस एरिया में आया था वो राइट right? और उसके बाद बजट डे के एक दिन पहले और एक दिन बाद उसने आ, जो है ये थर्टी नाइन सेवन हंड्रेड के अराउंड का लो मारा है सेवन फिफ्टी सेवन हंड्रेड वाला ये जो एरिया है तो ये हमें इतना यहाँ से एक इंफॉर्मेशन मिल गया था कि थर्टी नाइन सेवन हंड्रेड से थर्टी नाइन फाइव हंड्रेड ये दो सौ पॉइंट का जोन मैगनिफ्टी के लिए बहुत बहुत बड़ा एक एक सपोर्ट बन सकता है मतलब अगर उसको रिवर्सल देना है तो इस जोन से रिवर्सल कर सकते हैं तो हम लोग फिर जब मॉर्निंग ट्रेड ओपन किया ये वन आवर का चार्ट है तो वी वेंट टू फाइव मिनट्स अब फाइव मिनट वन मिनट में ट्रेड क्यों लिया उसका रीज़न ये था इंडिया विक्स कि जब इंडिया विक्स यहाँ पे मार्केट जब ऊपर जाके नीचे गिरना चालू हुआ व्हाट हैपन आपका इंडिया विक्स का अगर हम चार्ट देखेंगे राइट तो आप इंडिया विक्स देखोगे तो इंडिया विक्स यहाँ से पॉजिटिव हो गया था मतलब वो राइज होना चालू हो गया था जब मार्केट ने पी ब्रेक किया तो जब वो राइज होना चालू हो गया था तो वो हमारे लिए डाउन साइड मोमेंटम को फेवर करता है राइट तो यहाँ पे मतलब चार्ट की ज़रूरत नहीं है बट प्लस में आपको आ गया था इंडिया विक्स ओपनिंग नेगेटिव होके प्लस में आ गया था तो उसके वजह से तो आज एक्सपायरी भी है तो मूव फास्ट होता है तो वन मिनट में हमने ट्रेड इनिशिएट किया आप यहाँ पे फाइव मिनट्स में भी इनिशिएट कर सकते थे फाइव मिनट्स में भी उसने दिया है एक मिनट में यहाँ पे जाओगे एक कहा गया हाँ तो फाइव मिनट्स में भी उसने ब्रेक डाउन किया है ये कैंडल में इसमें डे लो इसने यहाँ पे ब्रेक किया ये वाले कैंडल तो फाइव मिनट्स में आपको इसके बाद आपका ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा वो आपका रेफरेंस जोन बनेगा क्योंकि विक्स राइजिंग था तो फाइव सेवेंटी पॉइंट्स का जोन और सेवेंटी पॉइंट्स में उसने फिर अपने को टू ट्वेंटी अगर जितना भी पॉइंट्स है उतना दे दिया था तो दोनों टाइम फ्रेम है बट क्योंकि ये ट्रेड फर्स्ट फिफ्टीन मिनट्स में ही ट्रिगर हो रहा है मतलब मेरा कैसे रहता है कि अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ नाइन फिफ्टीन से लेकर नाइन फोर्टी फाइव के बीच में ये आधा घंटे का जो फर्स्ट फेज़ होता है तो वहाँ मैं ज़्यादातर वन मिनट यूज़ करता हूँ राइट क्योंकि हमें कम रिस्क में काम करना है जैसे कि आज अब जील हो गया आई सी आई अप्रूव हो गया बैंक निफ्टी हो गया कोई भी अगर ट्रेड्स थे आज के तो मेरा एक एम है कि हमें इसको कम रिस्क में काम करना है फाइव मिनट्स में बहुत बार आपका ऐसा होगा कि सडन बड़ी कैंडल बन जाएगी उसमें आपका रिस्क डबल हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा तो इसीलिए ये फर्स्ट हाफ एन आवर मैं वन मिनट में करता हूँ फिर नाइन फोटी फाइव से टेन फिफ्टीन तक मतलब जो नेक्स्ट हाफ़ एन आवर है मैं फिर फ़ाइव मिनट पे जाता हूँ अगर मुझे नहीं मिल रहा है या फिर उस दिन विक्स बहुत ही ज़्यादा अगर राइजिंग है पाँच छः परसेंट तो फिर वन मिनट में सेटअप मिल सकता है वापस बट नहीं तो आप फाइव मिनट्स में जाओगे क्योंकि फाइव मिनट्स में अगर मार्केट थोड़ा स्टॉल हो रहा है दिख रहा है वॉल्यूम ही नहीं है जैसे आज वॉल्यूम नहीं है फिर हम वापस वन मिनट में सेटअप हमने नहीं फाइंड किया फिर हम फाइव मिनट्स में ऑब्ज़र्व कर रहे थे दोनों साइड रेंज बना लिया मार्केट साइडवेज गया फिर न्यूट्रल हो गया और फिर जो है टेन फिफ्टीन के बाद से अराउंड जो भी अपना बारह बजे तक का या जो भी अपना रहेगा फिर मैं फ़िफ्टीन मिनट्स ज़्यादा ऑब्जर्व करता हूँ फाइव और फिफ्टीन मिनट्स बस तो इस तरीके से टाइम फ्रेम जैसे फ़र्स्ट फेज़ बहुत हाई वॉलेटाइल होता है अनकंट्रोल वोलेटिलिटी होती है तो यहाँ पे मैक्सिमम फोकस वन मिनट में होता है क्योंकि मेन एम है रिस्क कम करना दैट इज़ द मेन एम वॉट आई डू नाइन फोर्टी फाइव से टेन फिफ्टीन नेक्स्ट हाफ एन आवर मैं फाइव मिनट्स पे थोड़ा देखता हूँ वन मिनट फिर इस टाइम फ्रेम में तभी देखूंगा वेन द विक्स तब तीन चार परसेंट बढ़ के रखा है या कोई स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम में ट्रेड कर रहा है अच्छे वॉल्यूम से उसके वॉल्यूम डिप ही नहीं हो रहे तो भी तो ही फिर नाइन ना। फिफ्टीन से टेन फिफ्टीन वन मिनट में आई ट्रेड एंड देन हाँ रुक गौरव जी रुक जा रुक जाओ गौरव मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ कि आपने मीटिंग लॉक हाँ। की है क्या मुझे दो चार कॉल आ गए कि मीटिंग लॉक बाय द होस्ट ऐसे मैसेज आ रहा है मैंने तो कभी लिया रखने नहीं कि एक मिनट रुक जाओ लॉक तो हुई नहीं है अच्छा हाँ वो बटन शायद क्लिक हो गया अभी अभी ये कैन यूज यस ओके 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 थैंक यू एक मिनट okay, 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 हाँ, में डाल देता हूँ तो ओके okay, तो मेरे से क्लिक हो गया होगा शायद वो गलती से नो प्रॉब्लम सो अभी जो है तो इस तरीके से तीन टाइम फ्रेम से आई स्विच ओवर देर सर right? इसमें इस जैसे क्या जहां पे भी ब्रेक करेगा मोमेंटम वहीं पे हमें मतलब बंद कर देना है हाँ मोमेंटम मतलब सिंपल देखो वन एस टू वन मिल गया फिफ्टी परसेंट करो उसके बाद वन एस टू थ्री वन एस टू फोर मिल गया आप नए हो तो फुल बुक कर लो उसको ज्यादा मत राइड करो स्टार्टिंग का एक डेढ़ महीनाचर के हाँ। हाँ, स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेल करो जैसे आपको करना है क्योंकि उसमें कैसा है कि अगर अच्छा रिवॉर्ड दे देगा कोई स्टॉक वन एज टू फाइव सिक्स तो वो थोड़ा सा तो कहीं रेस्ट भी करेगा ना जैसे अब ये झील अब इसको आप होल्ड करके रखोगे तो ये जितना प्रॉफिट दे रहा है पूरा ही लेके चला जाएगा राइट तो उसमें ज्यादा होल्ड नहीं करना है अब जैसे यहाँ पे अब ये इतना फास्ट मूविंग स्टॉक है अगर ये 210 से हम उसको 190 पे ट्रेड कर रहे हैं मतलब 20 10 परसेंट गिर चुका है वो इसमें अगर मैं फाइव मिनट्स में जाऊँगा तो फाइव मिनट्स में प्रॉब्लम क्या होती है ये कैंडल्स कभी कभी बड़ी बन जाती है राइट तो यहाँ पर जो रिस्क है जो वो एक रुपये के रिस्क में हमने काम किया वो भी हम हमारा रिस्क थ्री टाइम्स बढ़ रहा है तीन रुपये के रिस्क पे जा रहा हूँ मैं तो इसीलिए जब जहाँ मोमेंटम ज़्यादा है वहाँ पे फिर वन मिनट में हम ट्रेड करते ताकि जब ट्रेड मिले जैसे यहाँ पे वी ट्रेडेड ओनली एट 90 पैसे रिस्क या एक रुपया के रिस्क pe सो wo हमें रिस्क कम करने के लिए देन वन मिनट यूज़फुल होता है स्पेशली फर्स्ट हाफ एन आवर में और ये भी ट्रिगर हुआ ये भी ट्रिगर देखो साढ़े नौ बजे ट्रिगर हुआ तो फर्स्ट हाफ एन आवर का विंडो था वो इसलिए मेरा वन मिनट ही वहाँ पे मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ और वो स्टार्टिंग में आपको फास्ट लगेगा बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप उस टाइम फ्री उनका यूज टू हो जाओगे कि इनिशियली बहुत लोगों को मुझे चैट पे ही फीडबैक आया लाइव सेशन में कि अगर आप बताते हो ट्रेड होते तब तक वो ट्रेड निकल जाते हैं क्योंकि वो इसीलिए स्टॉक पहले ही बताया दिया जाता है कि ये स्टॉक को हम ट्रैक कर रहे हैं क्योंकि अगर आप स्टॉक सिलेक्ट करने में टाइम पंद्रह बीस मिनट लगा रहे हो तब तक तो ये स्टॉक निकल जाएंगे जो जिनमें मोमेंटम है क्योंकि वो आधे घंटे के स्लॉट में ही ज़्यादातर मूव होते हैं अब इसका इसका देखो ये कब खत्म हुआ ये ना नौ नाइन नौ पचास को तो इसका मूव ख़त्म हो गया डाउन मो फर्स्ट हाफ एन आवर में इसका डाउन मूव खत्म हो गया इसके बाद अगर कोई उसको शॉर्ट कर रहा है तो वो तो स्टॉक में लॉस ही करके बैठा है वो उसने कहीं भी इसको शॉर्ट किया होगा बाद में फिर कि उसके तो लो मारा ही नहीं है सीधा ऊपर ही ऊपर जाते रहा तो वो लॉस हो गया होगा तो जो जो हैवी हैवी प्लेयर्स है जो हैवी हैवी सेलर्स है जो फर्स्ट जो हैवी सेलर्स कौन होते हैं या यावी बायर्स कौन होते हैं हेज फंड होता है जिसको एक स्टॉक को ऑफलोड करना है अभी समझ लो झील नीचे गिरा है यहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम ये जनरेट हो रहा है आधे घंटे में वो कौन जनरेट कर रहा है डेफ़िनेटली एक बहुत बड़ा फ़ंड हाउस है ये या हेच फंड होगा या म्यूचुअल फंड होगा ये पूरा बाकी के दिन का ऑर्डर भी कंबाइन कर लोगे छः घंटे पाँच बाकी के रिमेनिंग पाँच घंटे का पाँच साढ़े पाँच घंटे का तो भी आधे घंटे का ऑर्डर के कंपेरेबल हो जाएगा मतलब फाइव आवर्स का जो पूरा ऑर्डर फ्लो है उसका वो फर्स्ट थर्टी मिनट्स में होता है इसीलिए ये जो टाइम फ्रेम होता है जो आपको एक बार एक्सपीरियंस आ जाता है मार्केट को ट्रेड करने में तो आपको ये टाइम फ्रेम बहुत आप अच्छे से मोमेंटम पकड़ सकते हो वन मिनट में बिकॉज यू कैन ट्रेड एट वेरी लो रिस्क ठीक है चलिए थैंक यू सर एक, दिन मैं हेल लिया था एच एल तो, तो उस दिन ऑप्शन में मैं लिया था लेकिन मैं सर बहुत जल्दी निकल गया फोर्टी में ही जबकि वो तो दो सौ पचास तक गया था उसका तो, तो उसका वो फॉलो करो ना डब्लू आर सी से ट्रेड करते रहो और वन एस टू थ्री आपको कैंडल बाय कैंडल ट्रेड करते रहो जैसे डब्ल्यू आर सी बनी है अच्छी अच्छी कैंडल पर कैंडल ट्रेल करो जहाँ पे भी आपका कैंडल का स्टॉप लॉस ट्रेलिंग हिट होगा वहाँ पे आप निकल सकते हो ठीक है सर आपका स्क्रीन पे ना फोर फोर मतलब शो करता ना तो जैसे हम लोग अगर जो सेटअप बनाए तो फोर स्क्रीन कैसे अरेंज कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे या फिर फोर स्क्रीन आप ब्रोकर है तो वो आपको आराम से फोर स्क्रीन दे देगा ना यहाँ पे इसका ऑप्शन रहता है वन टू थ्री फोर ये लेआउट में ट्रेडिंग व्यू में आपको फ्री वर्जन में एक ही मिलेगा तो बट जरूरत नहीं है आपका जो फायर यूज कर रहे हो उसमें आप यूज कर सकते हैं है? उस... आप जी। हाँ जी। आपके जितने भी सेशन होते हैं बहुत अच्छा रहता है और हमें काफी कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे सर एक चीज ये जाननी थी जैसे मैं ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ और अभी मैंने रिसेंटली से ऑप्शन सेलिंग भी शुरू तो सर आपसे इनपुट एक ये चाहिए था कि ऑप्शन सेलिंग में ना मैं स्ट्रेंगल ट्राई कर रहा हूँ और दूसरा मैंने रेशियो स्प्रेड भी ट्राई किया बट रेशियो स्प्रेड में कितना रेंज रखना चाहिए जो 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 कि एक आइडियल सिचुएशन में ताकि जैसे अभी मार्केट लास्ट वीक से कॉन्स्टेंटली गिर रहा है

रेशियो सर जैसे मतलब वही आइडिया मैं अभी तो क्या करता हूँ जैसे अभी मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी अपनी चालीस हजार बन हुआ है ठीक है तो अभी मुझे मैंने जो चालीस हजार पे मैं जनरली अगर बनाऊंगा तो मैं थर्टी नाइन थाउजेंड का पुट uh, सेल करूंगा इधर फोर्टी वन थाउजेंड का कॉल सेल करके उसके साथ मैं uh, आप जो बोल रहे हो वही करूंगा कि मैं पुट जो है वो दो सेल करूंगा uh, और उसके सामने कॉल एक बाय करूंगा मतलब सॉरी पुट मतलब uh, दो सेल करूंगा उसके सामने एक पुट बाय करूंगा दो कॉल सेल करूंगा उसके सामने एक कॉल बाय करूंगा तो बट जो आपका पुट बाय रहेगा वो हायर प्रीमियम रहेगा कि लोअर प्रीमियम है सर हायर प्रीमियम तो, तो आपने समझ लो जो थर्टी अभी मार्केट फोर्टी थाउजेंड में आप कल आप बना रहे हो अगले एक्सपायरी का तो हाँ, आप कौन सा सेलेक्ट करोगे बाइंग के लिए पुट साइड मैं Uh, मैं जैसे फोर्टी मतलब फोर्टी मार्केट है तो मैं थर्टी का पुट दो दो सेल करूंगा

छः सौ सात सौ पॉइंट तो बैंक निफ्टी एक भले वो तीन चार दिन साइडवेज वे साइड का हो जाएगा तो आपको यहाँ पे इससे बेटर अगर आप हजार पॉइंट का कर रहे हो तो आपको अगर मंथली में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा राइट सेकेंड चीज़ है कि अगर आपको कैसा है कि ये रेशो जब आप बनाते हो तो आपको टाइमिंग पे मैटर करना है कैसे करना है आप दोनों साइड बनाओगे तो वो थोड़ा सा आपको इशू आएगा राइट right. साथ में नहीं बनाना है तो कैसे बनाना है right. आपको स्विंग ट्रेडिंग सेटअप जो है आ, सिखाया okay. गेम चेंजर में है ना right. right. यहाँ पे आपका right. अब सिंपल है जैसे कि अब हम आ, लेट से मार्केट ने यहाँ पे अपना एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया ये प्रीवियस वीक हाई लो है आप समझ लीजिए बैंक okay. निफ्टी अपना एक जा रहा है और इसने यहाँ पे ये रेंज इधर इसमें इधर ब्रेक कर दिया विच वॉज ऑन ऑफ फेफ ठीक है तो अब आपको क्या पता है मोमेंटम मार्केट का डाउन साइड शिफ्ट हुआ है ठीक है इस टाइम पे जब मोमेंटम डाउन साइड होता है पुट साइड को हाथ मत लगा क्योंकि वहां आप बनाओगे तो वो तो प्रीमियम पुट साइड की एक्सपेंशन स्टेज में वो आपको परेशान जब हो जब ब्रेक डाउन होगा जो स्ट्रक्चर ब्रेक या कोई जोन ब्रेक या प्रीवियस वीक लो के ऊपर डब्लू मार्केट सी से निकल रहा है तो आप सिर्फ कॉल साइड बनाओ पहले राइट ओके okay. और कॉल साइड बना क्योंकि उसमें क्या है मार्केट अगर नीचे गिरेगा भी नहीं तो भी तीन चार दिन साइडवेज जाएगा उसमें आपका कॉल साइड पैसा राए, देना चालू कर देगा राइट सेकेंड जो चीज़ है कि आपका जो सिर्फ चार पॉइंट का जो गैप है राइट उसका वो जो प्रोटेक्शन आपको देगा वो तभी देगा जब आपने पोजीशन बनाने के बाद एटलीस्ट नेक्स्ट वन वीक तक मार्केट में आपको कोई परेशानी नहीं कर दी या फिर जो कैंडल है जिसने ब्रेक किया उसको तीन चार दिन तक उसके हाई से निकल नहीं रहा है ऊपर मार्केट तो आपका कॉल साइड तब सेफ हो गया जैसे कि आप अब एग्जाम्पल हम देखते हैं इस टाइम उसने ब्रेक किया फोर्टी वन टू हंड्रेड पर ठीक है विच वॉज ऑन सेवेंटीन ऑफ फेब तो आप मार्च का ही बनाओगे है न लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल ऑफ फोर्टी टू थाउजेंड अब हम फोर्टी टू हज़ार पॉइंट दूर जाएंगे हम जहाँ पे भी है तो लेट्स से फोर्टी टू फाइव हंड्रेड का मार्च एक्सपायरी का बैंक निफ्टी का लेंगे आ, तो वो था अराउंड फिफ्टींथ सिक्सटीन को जब ब्रेक ब्रेकडाउन आया कौन से दिन आया था सेवनटीन को आया था तो सेवनटीन को जो ब्रेकडाउन आया तो आर्ली चार्ट पे ये समथिंग अराउंड यहाँ पे कहीं था 360 तीन सौ साठ के अराउंड अब साथ ये साथ आपने दो लॉट सेल कर दिया ठीक है तो हम यहाँ पे जाते हैं आपने बैंक निफ्टी पे गए और आपने मार्च के इसमें गए तो फोर्टी टू फाइव हंड्रेड जो है इसका दो लॉट जो है वो सेल हो गया और आपने जो है उसके साथ साथ फोर्टी टू थाउजेंड या फोर्टी टू वन हंड्रेड चलो फोटी टू थाउजेंड पकड़ लेते हैं उसका एक लॉट बाई कर लिया ठीक है ये रेशियो तो डन है अभी इसका प्राइस है, ये अभी नहीं था उसका इसका प्राइस था थ्री सिक्सटी और right. इसका जो प्राइस था वो उस टाइम पे था निफ्टी फोर्टी टू थाउजेंड को सिक्सटीन सेवनटीन 17 को अराउंड ये था पकड़ लीजिए पाँच सौ चालीस के अराउंड है ठीक है फाइव फोर्टी एक अप्रोक्सीमेट दस बीस पॉइंट ऊपर नीचे रहेगा बट एक अप्रोक्सीमेट रहेगी तो ये फाइव फोर्टी था सॉरी ये सेल किया है तो ये थ्री सिक्सटी और ये बाई किया okay. है तो ये फाइव फोर्टी ठीक है ओके तो यहाँ पे अगर आप अभी जो इसका स्टेटस देख रहे हो तो इसका स्टेटस अगर हम यहाँ पे कर दें तो हमारा करेंट जो प्रॉफिट है मार्केट फोर्टी थाउजेंड पर तो करेंट प्रॉफिट अभी हमारा चार हज़ार चल रहा है फोर थाउजेंड प्रॉफिट चल रहा है और आपका मार्केट अगर यहीं पे रहेगा मतलब इट इज़ थर्टी नाइन थाउजेंड से अराउंड यहीं पे वो घूम रहा है कहीं पे भी और नहीं आ रहा है टिल फोर्टी टू थाउजेंड यहाँ तक अभी hmm. इसको हम एक्सटीड करेंगे तो जैसे जैसे मार्केट दूर जाएगा फिर हमारा लॉस होना चालू हो जाएगा मतलब अभी के लिए अगर मार्केट हमने जब बनाया था उसको उस टाइम पे अभी यह फोर थाउजेंड का उसने प्रॉफिट दिया है क्योंकि अभी प्रीमियम डेफिनेटली uh, नीचे गिर गए बट जैसे जैसे मार्केट uh, इसको हम वर्चुअल ट्रेड में भी कर लेंगे तो प्रॉपरली तो दिख जाएगा जी ओके okay. ओके okay. तो यहाँ पे आपका थ्री एट फाइव ज़ीरो अभी प्रॉफिट है इसका ठीक है अब जी अब इसका जो थ्री एट फाइव ज़ीरो प्रॉफिट है वो आपका कांस्टेंट अभी जो है इसका अब प्रीमियम हो गया सौ और वन सेवेंटी फोर ठीक है मतलब आपका जो बाकी है एक साइड दो सौ और मतलब थर्टी और मिलेगा मतलब साढ़े सात सौ और मिलेंगे आपको तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका साढ़े चार हज़ार तक हो जाएगा तो आपने प्रॉफिट का नाइन्टी परसेंट तो निकाल लिया ठीक है तो आप वहाँ पर उसको बुक करना है एक मिनट आप शायद आ, म्यूट हो गए है ना तो वो भी आप निकाल सकते हो तो ऐसे केस में क्यों है क्योंकि ये जो 540 है ये मार्केट साइड गया और ये डी हो गया उसके वजह से आपको वहाँ पे आप ट्रेड में आपको पैनिक नहीं हुआ और वहाँ पे आपको पुट साइड अगर आप बनाया रहता तो जो कॉल साइड का प्रॉफिट रहता वो पुट साइड ले लेता राइट राइट अब जी तो इस टाइम में क्या होता है कि अगर आप पुट साइड भी बनाते हैं यहाँ पे नीचे जो आता है वो पुट साइड आपको लॉस देता वो कितना देता वही तीन हज़ार का लॉस देता है ना और एट द सेम टाइम जो कॉल का प्रॉफिट है वो पूरा पुट साइड लेके चले जाता तो अल्टीमेटली इतना मूव होने के बाद भी इफेक्टिव रिजल्ट आपका ज़ीरो होता है ना तो कभी भी मंथली में बनाना है तो जो मोमेंटम जिस मार्केट के साइड है उसके अपोजिट साइड पहले बनाना पड़ता है उसके बाद फिर अगर ये जब तक चल रहा है अब मार्केट आपको पता है तीन आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट फोर थाउजेंड का उसमें से वो आप सिर्फ़ साढ़े सात सौ रुपये बाकी है, बाकी है आपने कमा लिया क्योंकि वो प्रीमियम पूरे गिर गए तो आप उसको यहाँ तक आप ट्रेल कर लो कि आप जब तक नहीं आएगा तब तक देखेंगे या तो आपको बुक करना है नाइन्टी परसेंट है तो बुक भी कर सकते हो क्योंकि साढ़े साढ़े सात सौ ही मिलने वाले अभी पूरा एक महीना है उसको होल्ड करने के लिए है ना और उसने हमें एक हफ्ते में दे दिया उतने पैसे तो हम निकल भी सकते हैं एंड देन वी कैन वेट कि अब पुट साइड बनाना है तो मार्केट को वापस स्ट्रक्चर या उसका ब्रेक करने दो ऑन द अप साइड जब ये ब्रेक करेगा तो फिर पुट साइड बनाओ तो उस साइड क्या होगा कि आप मोमेंटम के रोड में नहीं खड़े रहोगे मतलब जैसे ये तो बुलडोजर है हम बुलडोजर में हम right. आ, आप अपनी कार लेके आ रहे हो आप कुचल देगा राइट right? right. हमें बुलडोजर right. के इधर जा रहे हैं हम उसके पीछे चलेंगे कि भाई तू जा मैं तेरे पीछे तो क्या होगा कि उसके पीछे आप जा रहे हो अगर वो तो आपको कुछ लेगा नहीं हो राइट आप राएट। आप उसके पीछे रहना उसके आगे नहीं जाना है तो ये इस तरीके से मोमेंटम के रेशोस अगर आप ये ये जो बना रहे हो वह वो क्रेडिट रेशो है आप डेबिट नहीं बना रहे हो क्योंकि आपका सेल साइड ज़्यादा प्रीमियम है कंपेयर टू बाई साइड तो इस केस में जो होता है आपको हमेशा मार्केट में जिस डायरेक्शन है उसके अपोजिट साइड आपका रेशो आपका ओपन होना चाहिए और जब ये मोमेंटम उल्टा हो जाएगा मतलब रिवर्सल जब आएगा तब फिर पुट साइड बना मतलब जब रोलर उल्टा भागेगा तब हमारी गाड़ी वापस हम उसके साथ पलटा देंगे और फिर हम पुट साइड बना सकते हैं और फिर उसका आपको एक रेफरेंस मिलेगा क्योंकि यहाँ से अगर एक डाउन स्टार्ट हुआ है फोर्टी वन थाउजेंड कभी एक बहुत फास्ट डाउन समझ लीजिए दो तीन परसेंट का सीधा गैप डाउन हुआ तो आपका तो वो रेशियो के तो बैंड बजा देगा बिल्कुल है ना बिल्कुल इसलिए मोमेंटम क्या आडे नहीं है जो सर के स्ट्रैंगल ज्यादा बेटर है स्ट्रेटजी या रेशियोस पे क्योंकि मुझे स्ट्रैंगल में तो मैं कर रहा हूं बट स्ट्रैंगल में जनरली मैं वीकली कर रहा हूं या मैक्सिमम नेक्स्ट वीक क्योंकि उसका फेज रहता है अब जब मैं स्ट्रैटेज स्ट्रैंगल 2017 18 से स्टार्ट किया 2017 से 2020 ये जो 4 साल है ये इतने मक्खन दे स्ट्रैटेज स्ट्रैंगल के लिए कि रही। आप रही। अगर तब स्टेडल्स ट जो बनाया उसने दस लाख के अकाउंट को तीन तीन चार चार करोड़ रुपये पहुँचा दिया सिर्फ स्टैडल स्टैंगल बना गया right. ये right, जो फोर right, ईयर्स थे ये फोर ईयर्स वॉज गोल्डन पीरियड अब क्या हो गया इसके बाद भीड़ बढ़ी मार्केट में hmm. 2020 आ गया कोविड आ गया मार्केट में बहुत लोग आ गए अब सब लोग दुनिया भर के स्टेडल्स टैंगल करते हैं इनफैक्ट स्टैडल स्टैंगल का टर्नओवर जो पहले जितना टर्नओवर ओवर स्टेडल स्टैंगल का महीने भर में होता था उतना एक एक दो दो हफ्ते में हो जा रहा है अभी तो वो टर्न ओवर फोर टाइम्स इंक्रीज हुआ है क्योंकि जिसको मार्केट समझ में भी नहीं आता वो पैसा डाल के स्ट्रेडल स्ट्रैंगल बना रहे हैं right? राइट जिसको कुछ नहीं मतलब क्यों क्यों क्योंकि उसके एल्गोरिदम्स रेडीली लोग बेच रहे हैं सब कोर्सेज में लोग स्ट्रेडल स्ट्रैंगल सिखा रहे हैं स्ट्रैडल स्ट्रैंगल अभी जो हो गया है वो आपको अगर आप कोई स्ट्रैडल होल्ड करोगे और उसको आप उसको कंटिन्यू करोगे पूरे दिन पॉसिबल है कि वो आपका प्रॉफिट जो कमाया आपने वो लेके चला जाएगा तो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल जो अभी करना रहता है जो अभी के लिए राइट right? वो आपका या सीजनल होता है मतलब मार्केट जब तक एक ट्रैप करने के बाद रेंज में जैसे आज हमने मॉर्निंग में एक रेंज डिफाइन की थी ग्रीन ऊपर और नीचे ग्रीन हाँ। उसके बीच में वो टाइम पास हाँ, था उसके बीच में स्ट्रैडल था उसके बीच में ही मार्केट घूम रहा था तो जब तक वो उसके बीच में घूम रहा है और विक्स फॉलिंग है तभी चलेगा अगर मार्केट रेंज से एक्सपेंड होगा और आपने स्ट्रैडल होल्ड किया वो विदिन टेन मिनट्स आपका प्रॉफिट ले लेगा आपसे विद इन टेन मिनट्स वो टाइम नहीं लगाता है right. क्योंकि ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि इतने सारे लोग बैठ के सिर्फ स्टैडल स्ट्रैंगल बनाते हैं जिसको मार्केट भी नहीं आता है। तो जो बड़े बड़े एल्गोरिदम्स है वो जबरदस्ती स्पाइक लेके आ रहे हैं राइट right. दोनों साइड तो स्ट्रैडल ट्रैंगल से जो सिस्टम्स आपको बनाने हैं स्ट्रैडल स्ट्रैंगल आपको जब मार्केट का विक्स डाउन रहेगा या जो एक वोलेटिलिटी वहाँ पे होती है तो मेरा स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बनाने का तरीका अलग रहता है मैं वहाँ पे कंप्लीट प्रेक्शन में लोगों को सीखा तो मैं नॉर्मल ट्रेडिशनल 920 930 को आके स्ट्रैडल स्ट्रैंगल नहीं बनाता तो मेरा तरीका डिफरेंट right. है उसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी मतलब वो मिलती है और वो रोज़ नहीं बना सकते राइट right? वो आपको हफ्ते right. में दो या तीन दिन ही मिलेगा क्योंकि एवरी मार्केट साइडवेज नहीं रहेगा राइट right. right. जो नेक्स्ट चीज रहती है कि आपने स्ट्रैडल स्ट्रेंगल आपको अगर बनाना है तो पहले आप स्ट्रेंगल से स्टार्ट करो राइट right? right. और स्ट्रैंगल आप करेंट एक्सपायरी का ना करके आप नेक्स्ट एक्सपायरी पे कर सकते हो अभी क्योंकि प्रीमियम आपको अच्छा मिलेगा बहुत बार अभी विक्स डाउन है right. तो करेंट एक्सपायरी में प्रीमियम नहीं मिलता है तो आपका स्ट्रेंगल right. में आप पूरे दिन भी रुके रहोगे आपकी क्वांटिटी कम रहेगी तो आपको हार्डली वो आठ सौ हजार रुपए देगा मरमर -मर के राइट right? राइट right. तो right. बट अगर वो नेक्स्ट एक्सपायरी रहेगा बहुत बार मार्केट नेक्स्ट एक्सपायरी के प्रीमियम बहुत फास्ट लूज करते हैं राइट क्योंकि विक्स डाउन right. है तो दो तीन दिन में वो भी अपनी फोर्टी परसेंट तक वैल्यू रिड्यूस करता है तो बट उसमें right. आपको एक सबसे बेस्ट चीज़ रहती है कि आपको एक बफर मिलता है क्योंकि करंट एक्सपायरी का जो hmm. प्रीमियम पचास है नेक्स्ट एक्सपायरी का प्रीमियम वहाँ पर डेढ़ रहेगा तो आपको जो बफर मिलता right. है हंड्रेड पॉइंट्स का उसके वजह से आपको एक वॉलीटिलिटी अगर कहीं स्पाइक्स भी आ रहा है ये आपको नहीं मिलती क्योंकि अगेन करेंट एक्सपायरी में कौन कूदेगा वही लोग कूदेगे जिनको मार्केट नहीं समझता कुछ नहीं है वो बस आ रहे जी. अच्छा पाँच पॉइंट दूर का कुछ एक लाइन ड्रॉ करेंगे ये पाँच पॉइंट पाँच पॉइंट यहाँ पे इसको सेल करो इसको सेल करो बेटर हो तो वो एल्गोरिज्म कैसे वर्क करता है वो बिल्ड होने देता है क्योंकि उसको तो सारा पता है कि कितने ऑर्डर्स पड़े हैं क्या है वो ऑर्डर्स को बिल्ड होने देता है जैसे बिल्ड हुआ वो स्पाइक मारेगा एक साइड तो एक साइड का स्पाइक सौ से दो भागेगा और दूसरा जो पुट है वो सौ से सत्तर भागेगा अब यहाँ पे निकल गए लोग क्योंकि यहाँ पे उनको एक एक पे सौ का लॉस हुआ एक में तीस का प्रॉफिट हुआ नेट लॉस सत्तर का तो वो वैसे भाग जाएंगे दूसरी हिम्मत नहीं होंगी बट इस जगह आपको जो है कि मार्केट अगर जहाँ पे एक ट्रैप करके साइडवेज जा रहा है अब स्टेडल स्टैंगल उसी टाइम पे चलते हैं या फिर इवेंट के जस्ट बाद अगर विक्स गिर रहा है तब आपके सैडल स्टैंगल काम करते हैं तो

दुगना बढ़ जाता था। चल, थैंक यू। जी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनको। आह, यस रितिक जी। हेलो। हेलो। हाँ रितिक जी, आप बोल सकते हैं। हाँ कौन है? हेलो अच्छा गौरव है क्या? हाँ ठीक है ना। हाँ, अच्छा अच्छा हाँ। तो गाइज लाइक मेरा आपको यही बोलना था कि आज आपने देखा होगा कि लाइव ट्रेडिंग सेशन कैसे हुआ स्टॉक सिलेक्शन कितना मैंडेटरी होता है लाइव ट्रेडिंग सेशन के अंदर क्योंकि आपको ट्रेड लेना है तो उससे पहले स्टॉक सिलेक्शन का आपका एक क्राइटेरिया होना चाहिए स्टॉक सिलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं पहले मार्केट को देखते हैं कि मार्केट किस हिसाब से बिहेव कर रहा है मार्केट में सेक्टर्स कैसे चल रहे हैं सेक्टर्स के हिसाब से कौन से स्टॉक्स उन्हें लीड कर रहे हैं एंड एज परिंग दाइट तो आज भी जो सील के अंदर ट्रेड किया था बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड किया था तो मार्केट सेंटिमेंट को समझ के और हमेशा एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि स्टॉप लॉस आपका हमेशा छोटे से छोटा होना चाहिए एंड प्रॉफिट पोटेंशियल आपका बड़े से बड़ा होना चाहिए और वैसे भी लाइक आप में से बहुत से लोग लॉन्ग टाइम से लाइव ट्रेडिंग सेशन अटेंड कर रहे हैं तो उन्हें पता है कि हमेशा हमारा रिस्क रिवार काफी बढ़िया रहता है और आज वो एक स्टॉक था तो उसमें भी अपन एकदम कम से कम माइन्यूट ऑफ माइन्यूट लॉस में से आई थिंक आईसीआईसीआई प्रूव था वो तो माइन्यूट ऑफ माइन स्टॉप लॉस हमेशा छोटा ही था राइट तो ये हिसाब से आपको अपना काम करना है और बहुत से लोगों ने वो लाइक पूछा है कि सर आप जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो कौन सा यूज कर रहे हैं तो हमारे पास दो टाइप ऑफ द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है पहला हम लोग ट्रेडिंग व्यू का पेड सब्सक्रिप्शन है बट इनिशियली आपको पेड लेने की जरूरत नहीं है यदि सिमिलर चार्ट आपको चाहिए तो फायर सिक्योरिटीज इज बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑप्शन मैंने फायर सिक्योरिटीज का लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया है मतलब एक गूगल फॉर्म शेयर किया इंटरेस्ट फॉर्म उसमें आप अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हो आपका नाम मोबाइल नंबर और जीमेल आई पुट कर सकते हो तो कल आपको फायर्स के रिप्रेजेंटेटिव कॉल करेंगे और वो आपको फायर्स का अकाउंट ओपन करवाएंगे क्या है फायर्स का ट्रेडिंग व्यू के साथ टाइप है तो जो चार्टिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा ना बेस्ट ऑफ बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा एकदम आपको मजा आ जाएगा वहां पर ट्रेड करके और चार्ट भी देख के उनका ट्रेडिंग के साथ टाइप है तो लाइक जो भी लाइक दूर की एक्सपायरीज होती है बैंक निफ्टी में भी तो वो दूर के एक्सपायरीज में भी आपको काम करने देता है जो जीरोदा जीरोदा अपस्टॉक्स अपस्टॉक्स नहीं देता है के भी करंटली काफी लिमिटेशन है कि जीरोदा अपस्टॉक्स कई बार हैंग हो जाते हैं उनके सर्वर्स प्रॉपरली वर्क नहीं करते तो एकदम लाइट प्लेटफॉर्म फायर्स ने बनाया मतलब लाइक फ्रॉम ट्रेडर्स बाय ट्रेडर्स फॉर ट्रेडर्स ये इस हिसाब से इनका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है तो आप उसमें फिल कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल रहा है वो ट्रेडिंग व्यू के तो आपको एक हजार पंद्रह सौ रुपए पर मंथ वहां पे देने होते हैं बट फायर सिक्योरिटीज में फ्री मिल रहा है उसमें ट्रेड भी करके देखिए आप काफी लाइट है ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी काफी स्मूथ आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा तो आप देख लीजिए एंड अगेन मैं रिपीटेडली कुछ चीजें आपको बोलते रहता हूँ कि यदि बेयर कर सकते हो तो कंप्लीट ट्रांजेक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम के ऊपर फोकस दीजिए प्रैक्टिकली ट्रेडिंग सीखिए हमारे साथ अभी जैसे गेम चेंजर में फाइव सिक्स ट्रेडिंग सेशन होते हैं लाइव मार्केट के पर मंथ वहां कंप्लीट ट्रांजेक्शन में आप डेली लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन आपके होंगे आप डेली जूम मीटिंग पे ऐसे ही ट्रेड हमारे साथ लोगे और वो ट्रेड लेने से आपका क्या होगा एक तो पैसा भी बनेगा बट दैट इज सेकेंडरी बट प्रोसेस समझ में आएगा कॉन्फिडेंस आएगा कि हर टाइप ऑफ द मार्केट में हम कैसे काम कर रहे हैं और आप इंडिपेंडेंट बनोगे अभी कितने सारे लोगों से हम लोग पूछते हैं कि आपने इतने सारे कोर्सेज अलग अलग जगह किए बट आपने अपने मेंटर के साथ कितने लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन गुजारे है वो मुझे बताइए तो बहुत से लोगों का वही होता है कि नहीं सर किए ही नहीं है किए है तो एक दस चार पांच पॉइंट का बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं वो तो वो नहीं चलता है राइट right? एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन आपने देखा है तो लास्ट थ्री इयर्स से कंसिस्टेंटली वी आर विनिंग द ट्रेडिंग कंपटीशन तो वो भी एक अलग है अभी स्टूडेंट्स भी हमारे कंप्लीट प्रोजेक्शन के कई सारे स्टूडेंट्स भी जीत रहे हैं वो लाइक सर्टिफिकेट्स एंड ट्रेडिंग कंपटीशन तो बोलने का मकसद ये है कि थ्योरटिकल प्लस प्रैक्टिकल का जो कॉम्बो होता है एक रियल ट्रेडर से ना, ना कि एक कोर्स सेलर से तो कोर्स सेलर से आप नहीं जुड़ रहे हो आप रियल ट्रेडर से जुड़ रहे हो उनके साथ आप वहां पे काम करोगे और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा आई विल एश्योर यू और एक लाइफ टर्निंग आ, होगा क्योंकि थियरटिकल एंड प्रैक्टिकली आप साउंड होगे सो डेफिनेटली काम करने में भी आपको

हां तो नेक्स्ट आई गेस ऋतिक जी अनम्यूट गुड इवनिंग सर सर मेरा सर मेरा ये डाउट था इसमें बैंक निफ्टी में ये पांच मिनट के अगर आप टाइम फ्रेम में चार्ट डालो हाँ अभी तो 12 से एक बजे तक इसमें बेस बिल्डिंग हुआ है उसके बाद जो ये 12 पांच का ये रेड कैंडल बना हाँ, है बराबर तो ये तो ये क्या डब्ल्यूआरसी है हां है ना यस तो यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते तो फंस जाते डब्लू आर सी यहाँ पे बेस बिल्डिंग के बाद ना बेस बिल्डिंग ड्रॉ कर लेता तो हूँ बारह से एक बजे तक बेस बिल्डिंग हुआ बराबर ठीक है ना मिनट्स नहीं सर से, हाँ, तो तो से बजे तक बस अभी यहाँ पे जो है आपका सिंपल है आपने यहाँ पे जितना रिस्क लिया अगर आपने यहाँ पे बाई किया है है ना इस ट्रेड में तो अभी ये ट्रेड में आपका एटी पॉइंट्स का रिस्क है ठीक है आपका अगर यहाँ पे ट्रेड लिया है तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया ये फैक्ट है ठीक है अब बट अपने अपोजिट साइड आपको ट्रेड दिया है 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 पॉइंट्स का ठीक और ये तो ये ये तो सेटअप अगर पे आपको जो है, का ये ट्रेड आपको जो ट्रेड उसने पैसा दे ढाई तक दे दिया तो यहाँ पे आप अगर सेल ट्रेड लेते सेल ट्रेड वहां पे उतना उसका नहीं चला है ना अब उसका रीजन यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है क्योंकि समटाइम्स जब भी मार्केट ये जो इसने रेंज बनाई है इतनी बड़ी ये ओपनिंग की जो रेंज है इतनी बड़ी राइट right? ये फर्स्ट हाफ में जो गया है तो उसी के बीच में वो डांस कर रहा है तो फोर्टी थाउजेंड जब भी ऐसा मार्केट कभी कभी बैकग्राउंड नंबर के पास होता है कोई फोर्टी वन थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड या फोर्टी टू थाउजेंड उस टाइप पे ऐसे फेक मूवस आते हैं एक हाथ बार तो वो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे कि आपके यहाँ पाँच छः में से एक हाथ सेटअप तो नहीं चलेगा वो बट उसने ऊपर के साइड जब ब्रेकआउट किया वो चला है वो उसने आपको उसने रिवॉर्ड दे दिया उसने हाँ, तो हाँ राइट हाँ, सर एक और चीज डब्ल्यू आर सी जैसी एंड हो रही, 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 रही हाँ, है पाँच, दस जब बाकी है तब आप एंट्री ले लो हाँ, पाँच सेकंड में उसका कैंडल चेंज नहीं होता है क्लोजिंग के पाँच सेकंड पहले आप एंट्री ले सकते हैं और एक और चीज पूछना था सर अगर रिलायंस का आप चार्ट खोलो ये दस फरवरी हाँ, का हाँ, दस फरवरी का ओके okay. हाँ, हाँ, पे फेब हाँ, तो का तो इसमें भी ये ये जो कैंडल बनी है बीच में ये बारह बजे के आसपास ग्यारह बजे के आसपास ये, ये वाले। बेस बिल्डिंग के बाद इसने भी वही इसका बेस बिल्डिंग जो है बट इसका आपका जो टारगेट ही टारगेट हो गया आपका ठीक है तो यहाँ पे डे लो तो आपके पास स्पेस नहीं है कैसा होता है जब इस हाँ। किसी ट्रेड में आपको जैसे आपने ये ब्रेक डाउन यहां पर ये कर रहे है अब ये फाइव मिनट्स में हम जाएंगे अब किसी ट्रेड में जहां पे हमारा क्लियर है कि वन एस टू वन नहीं मिल रहा है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है है ना अब जैसे ये वाला आपका सेटअप है अब इसने यहाँ पे डब्लू आर सी से ब्रेक डाउन किया तो तीन रुपए का इसका स्टॉप लॉस था अब उसने आपको ढाई रुपये मतलब वन एस टू वन नहीं दिया आपका जो था आपके ट्रेड में सिर्फ आपको मैक्सिमम क्योंकि ये तो वीक लॉन्ग है हमारा तो यहाँ तक ही पकड़ेंगे मार्केट क्योंकि एक ही छोटी वीक है यहाँ तक वो आया है मल्टीपल टाइम तो आपका कट टू कट वन एस टू वन भी मतलब नहीं।, नहीं बन रहा है मतलब एकदम ऐसे बन रहा है कि वो वन एस टू वन अगर नहीं दे रहा है जनरली अगर आपका फर्स्ट टारगेट जो फर्स्ट टारगेट है और जो एंट्री पॉइंट है अगर वन एस टू वन भी नहीं होता है तो ट्रेड को रिजेक्ट करना पड़ता है तो एक्चुअली ये उस कैटेगरी में ये ट्रेड आता है तो वहाँ पे आपको रिजेक्ट कर लो ट्रेड को क्योंकि वो कैसा है कि वो नहीं चलेगा और वो सीधा रिवर्सल अगर उसको साइडवेज जाना है तो जस्ट वो लो को हिट करके वापस रेंज में लॉक हो जाएगा राइट इस केस में आपको अवॉइड भी करना बेटर रहता है मतलब उसमें आप कुछ कर नहीं सकते वो मार्केट अगर साइडवेज है तो वी के नॉट डू अबजस्ट यहाँ पे ये वाला अब जैसे आरई बी बी सेटअप है दो दिन बाद अब यहाँ पे उसके पास कुछ है नहीं मतलब ये पी डीएल हो गया पिछले दिन का कोई लेवल नहीं है पूरा आसमान है उसके पास फ्री राइट तो सेम डे का लेवल या पिछले दिन का कुछ पी डी एच पी डी एल है वही प्रॉब्लम है बाकी कुछ दस दिन पहले लेवल बना हमें उससे कोई मतलब नहीं है राइट नहीं। क्योंकि वो तो दस दिन पहले के बाद है उसको कितना आप ट्रैक करोगे हमें तो आज का दिन और लास्ट डे का ही मैटर करता है तो ये तो भी एटलीस्ट फ्रीली मूव होता है तो जब फ्रीली उसको मूवमेंट मिलता है किसी भी स्टॉक को उतना ही वो अच्छा मूव देगा और यहाँ पे जैसे वन एस टू सेवन रिस्क रिवर्ड दिया तो वहाँ पे ऐसा देगा तो उस केस में जहाँ आपका टारगेट वन और आपका एंट्री पॉइंट में मोर देन वन एस टू वन आपका नहीं है है ना आपका रिस्क रिवॉर्ड तो वो सेटअप्स को आपको छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो नहीं दे रहे तो फिर क्यों उसमें ज़बरदस्ती मतलब हम ट्रेड करेंगे

एटलीस्ट वो ट्रेड वन एस टू वन तो देगा वहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी लॉक करेंगे फिफ्टी परसेंट तो रिमेनिंग फिर हम उसको ट्रेल करेंगे अगर वो नहीं जा रहा है नीचे और वन एस टू वन देखे ऊपर अगर हिट हो रहा है तो भी हम लोगों नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलेंगे तो उसमें हमें वी आर वी हैव नथिंग टू लूज ऐसे ट्रेड्स में right? और सर जैसे बैक टेस्टिंग के लिए अगर हमारे पास चार्ट तो पहले से ही बने हुए हैं तो पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है जैसे हाँ। और अगर मान लो अभी जैसे यहाँ पे अभी एशियन पेंट्स का देखो अभी यार भी, भी एशियन पेंट्स हमने दिया था यहाँ पे बेस बिल्डिंग नहीं था बट बाद में उसने हाँ। यहाँ पे बेस बिल्डिंग किया ठीक है अब यहाँ पे जाएंगे फाइव मिनट्स में हाँ। अब कोई वॉल्यूम नहीं अब देखो ऊपर जा रहा है उसका वॉल्यूम ही नहीं है ठीक है यहाँ पे विक बनाया वॉल्यूम भी एकदम मतलब जो रेंज है उससे ज्यादा वॉल्यूम नहीं है अब जब नीचे गिरा तो देखो कितना कन्विंसिंगली ब्रेक किया ना उसने उसका वॉल्यूम देखो देखो उसको कोई बैरिकेड नहीं है ना राइट तो जब वो मूव हुआ पाँच पॉइंट तब वो फटाफट आपको पाँच पॉइंट की जगह उसने बीस पॉइंट दे दिया तो ये ट्रेड्स ढूंढने हैं जहाँ पे प्राइजेक्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो उसमें आपकी सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो रहती है वो होती है आपका एक तो स्पेस क्योंकि अगर आपके पास स्पेस नहीं है आपके टारगेट वन तक बहुत कम जगह है तो वो स्टॉक मूव ही नहीं होगा तो फंस जाओगे उसमें स्पेस ही है जैसे एशियन बैंड में एक स्पेस है कहाँ पे क्यों पिछले दिन भी कोई लेवल नहीं है हफ्ते में कोई लेवल नहीं है तो अब ये एक सेलर के लिए पूरा एक ओपन एरिया है राइट क्योंकि यहाँ पे कुछ एक हफ्ते से कभी आया नहीं ना सीधा छः फरवरी यहाँ पे आया था वो टू सेवन वन सेवन पे आया था छः फरवरी और उसके बाद नीचे का ट्वेंटी सेवन वन जीरो मतलब जो सत्ताईस सौ के पास का लेवल है अब जब मार्केट गिरेगा तब वो लेवल देख के नहीं गिरता राइट वो जब गिरता है हमारा काम क्या है वन एस टू वन आपने लॉक कर लिया उसके बाद वो जहाँ तक गिरेगा उसको गिरने दो वो क्योंकि जब वो ट्रैप करता है तब वो हमेशा एक्स्ट्रा गिर जाता है या एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा वो क्योंकि जितना ट्रैप किया है उतना वो डोमिनो इफेक्ट आता है उतने ही लोग निकलेंगे जो बुलिश थे उतने ही लोग निकलेंगे स्टॉक से उतने ही सेल करेंगे उसके वजह से एक मोमेंटम बिल्डअप होता है द डाउन से जैसे ये देखो सत्ताईस वो गिर गया हुआ था तो सत्ताईस के नीचे भी उसने हल्की सी विक मारी होगी तो जो भी सत्ताईस के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हिट करके वापस भाग गया हो राइट उधर ही मतलब बंद हो गया एक्चुअली तो तो ये जो है इस तरीके के ट्रेड आपको कैप्चर करने अब जो आप जो ट्रेड्स बताए हैं जैसे कि चलो बैंक निफ्टी तो भी ठीक है आज का बैंक निफ्टी तो स्टॉप लॉस हिट हो गया स्टार्टिंग का बट उसने ऑपोजिट साइड ब्रेकआउट दे के वो रिकवर करवा दिया राइट right. तो मार्केट का देखो वैसे ही रहता है अगर वो एक क्योंकि वो आपका टेस्ट करता है कि आप अपने सेटअप के लिए लॉयल है कि नहीं वो आपसे कितना भी कितना अच्छा सेटअप रहे स्टॉप लॉसेस तो कहीं ना कहीं हमें खाने ही खाने हैं मतलब वो तो हम अवॉइड नहीं कर सकते बट हमें पता है कि हमारा रिस्क मैक्सिमम कितना है अस्सी पॉइंट सौ पॉइंट उतना हमने फिर रिस्क फैक्टर इन कर लिया अब ऊपर जब उसने ब्रेकआउट दिया वो भी बहुत अच्छी डब्ल्यू से दिया अब जब बैंक निफ्टी में आओगे जैसे एशियन पेंट्स ने बहुत अच्छा स्पेस है तो वन एज रिस्क रिवॉर्ड लिया तो ये सेटअप ऑलरेडी हमारे अपने स्टॉक फिल्ट्रेशन में आ गया था कि इस पर आप ध्यान देना है तब बेस बिल्डिंग नहीं कर रहा था बट ये एक स्कैनर में अपना वहाँ पे आ गया था सेकंड जो है बैंक निफ्टी के अगर हम इसमें जाएंगे अब बैंक निफ्टी में भी जब जाओगे जब उसने ब्रेकआउट दिया तो उसके पास डे हाई तक फिर स्पेस था ये वाला एरिया Right? हम्म तो यहाँ से यहाँ तक हमें पता है कि चलो 90 पॉइंट का अगर मैं एक रिस्क ले रहा हूँ एटलीस्ट मेरे को ट्रेड के लिए 100 से 130 पॉइंट मिल रहा है मतलब वन एस टू वन तो भी मिनिमम मतलब उतना मिल रहा है मेरे को तो वो ट्रेड फिर आप उसमें ले सकते ये नीचे में भी हमें वन एस टू वन से ज्यादा ही था अगर ये वर्क होता ये भी देता बट ये ट्रेड नहीं चला अब ये ट्रेड क्यों नहीं जैसे चलता कभी कभी बहुत बार मार्केट में आपको आपको मार्केट इसमें से वॉल्यूम देता है अब देखिए इसने क्या किया ये जो है जैसे यहाँ पे जो मूवमेंट है जब ये नीचे आया राइट सॉरी ये जब नीचे आया मार्केट तब क्या हुआ सेलर का कोई भी वॉल्यूम ऐसा स्पाइक नहीं मारा बराबर तो मतलब क्या है भले चलो उसने रिट्रेसमेंट मतलब वो रिट्रेसमेंट है बट ये यहाँ पे जब मार्केट बार बार कंटिन्यूस इतने विक मार रहा था तो बीच में ये एनोमोली और ये डे का हाईएस्ट वॉल्यूम बन गया ऐसे कैसे कहाँ से एकदम से डे का हाईएस्ट वॉल्यूम बन गया मतलब कुछ तो होना चाहिए कि यहाँ पे क्या तो ये जो हो रहा है यहाँ पे मतलब थोड़ा सा वियर्ड वॉल्यूम मार्केट में जनरेट हुआ है जब ऐसा वियर्ड वॉल्यूम जनरेट होता है तो वो सेटअप का जो ट्रस्टवर्धन है वो रिड्यूस हो जाता है क्योंकि मतलब कोई तो भी एक एक्सटर्नल ऐसा कुछ चीज़ मार्केट में हो रही है जो समझ में नहीं आ रही क्योंकि ये बना है डोजी उसमें ना कैंडल में दम है ना कुछ है बट इसका डे का हाइस्ट वॉल्यूम मतलब ये रेखा सेकेंड हाइस्ट वॉल्यूम ही बन गया ना yes. वो भी yes. बारह yes. से सवा बारह बजे एकदम से ये कहाँ से जनरेट हो गया राइट right? yes. और ये सेम चीज़ हमने एच uh डी -huh. बैंक में भी डिस्कस की थी तो अभी क्या है ये ऐसे सेटअप में जब मैं कभी भी सेटअप में रहता हूँ मुझे इस तरीके का अगर कोई भी मूवमेंट रहता है जब हम लाइव सेशन में भी होते हैं तो मैं उनको सीधा बोल देता हूँ कि यार ये अगर सेटअप में हम लोग फिर एक कैंडल का भी नहीं आ, हम लोग स्टॉप लॉस रखते हैं मैं ये सीधा स्टॉप लॉस रेंज पे लगा लेता हूँ क्या रेंज के ऊपर भी अगर क्लोजिंग आ गई ना अपना वन मिनट डब्ल्यू आर सी से तो निकल जाओ जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये जैसे ही उसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया राइट इस तरीके से तो निकल जाओ क्योंकि ये कुछ अजीब ही रैंडमनेस कुछ तो भी यहाँ पे चल रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है और ये देखो ना कैसे एकदम मतलब चिपक गया था उस लेवल पर तो हाँ तो वो वही है क्योंकि ये फोर्टी थाउजेंड का लेवल अब ये जब भी ऐसे बिकग्राउंड नंबर्स होते हैं तो वहाँ पे मार्केट इंडेक्स स्पेशली ऐसी हरकतें करता है तो ऐसा कुछ नहीं अगर आपने सेटअप लिया भी है है ना और ये हमने चलो तब उतना कभी कभी लाइव मार्केट में उतना नहीं चलता हमारा दिमाग से चलो यार जान दो तो अभी बन रहा है ट्रेड लेके देख लेते बट हम उसने फिर भी एग्ज़िट जब कराया तब एग्ज़िट वहाँ पर कर लेना चाहिए और उसके बाद यहाँ पर लिया तो जो उसने लॉस दिया वो यहाँ पर

हाँ, तो उसमें दोनों के से है ऐसा नहीं अगर ही आपकी। बन रही है, ये काम अगर है आपकी ये कोई डोजी आपकी बन रही है जो ट्रैप करके रिवर्स चल रही है वहां तो भी समझ में आता है ठीक है अब ये जो यहाँ पे मार्केट आपका डोजी बना रहा है ये बीच में कहीं बनी है ये ये और मार्केट ट्रैप करने के बाद जब भी वॉल्यूम्स स्पाइक आता है वो रुकता नहीं है फिर यहाँ पे और आधा पौन घंटा उसने टाइम पास किया <coughs> तो ये जो है इतना वियर्ड एकदम जैसे इस तरीके से आता है वो बहुत रेयर होता है बट ये जो होता है इसको हम प्रोजेक्शन uh, में एक्चुअली उसको जो बोला जाता है कि ये जो आप फिनोमेना uh, रहता है तो इसको हम uh, बोले जाते अनएक्सप्लेंड आप वोलिटिलिटी बोल दो या एक तरीके से उसको आप बोल दो कि आप उसको कुछ लॉजिकली जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि जहाँ पे जैसे टू प्लस टू फोर होता आ, है वैसे अब सिंपल चीज़ है कि वॉल्यूम कहीं भी मार्केट में आ रहा है मतलब बड़ा प्लेयर कोई आ रहा है और बड़ा प्लेयर जब भी आता है वो मूवमेंट लेके आता है राइट बड़ा प्लेयर बिना मूवमेंट के इतना वॉल्यूम कहाँ से क्या करेगा उसका वॉल्यूम आ रहा है तो मार्केट में मूवमेंट आनी चाहिए ना जब मूवमेंट नहीं आती है तब फिर वो जो है वहाँ पे अगर कोई सेटअप आपको दिख रहा है या वॉल्यूम स्पाइक आ रहा है तो उस सेटअप पे आपको कॉशियस होना है या फिर हम बोलते हैं कि फिफ्टी परसेंट क्वान्टिटी से उसको ट्रेड करो तो आइडियली अब तो तब अपना शायद लाइव सीजेंस चालू नहीं था बट अगर लाइव सीजेंस चालू रहता और ये वियड वॉलिटी है तो फिर मैं वहाँ पे एटलीस्ट कमेंट देता कि जितना भी क्वान्टिटी है उसका फिफ्टी परसेंट काट लो मतलब क्योंकि अब इस पर मैं उतना ट्रस्ट इस्टेब्लिश नहीं कर सकता

क्लियर मूव होता है जब एक ट्रेंड होता है या मोमेंटम होता है तो जब भी मार्केट एक रिट्रेसमेंट देता है तब तो वहाँ वॉल्यूम स्पाइक्स नहीं आते राइट जैसे अभी यहाँ पे जब ये यह मार्केट यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया फिर जब वो गया तो कोई ऐसा वॉल्यूम स्पाइक नहीं है एकदम सडन ऐसे वॉल्यूम एक एक ग्रेजुअल वॉल्यूम है तो ग्रेजुअल वॉल्यूम आपको दिख रहा है उसका मीनिंग ये है और बायर्स का वॉल्यूम भी अगर हम देखेंगे तो ग्रेजुअली यहाँ पर राइज होते जा रहे हैं राइट तो एक तरीके से मतलब ये चलता है ग्रेजुअल राइज बट एकदम सडनली लो वॉल्यूम से टू थ्री टाइम्स हायर स्पाइक जब मार्केट में आता है और उसके बाद मूवमेंट नहीं होता है वॉलीम स्पाइक ठीक है और उसके बाद मूवमेंट नहीं होता है या स्टॉल होता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ मतलब चीज़ें हो रही है कि वी शुड बी कॉशियस अगर हमारा पे क्वान्टिटी रिड्यूस कर लो और उसमें फिर आपको या तो ट्रेड से निकल जाओ या फिफ्टी परसेंट क्वान्टिट्टी से ट्रेड करो तो वो रूल उस तरीके से हम लोग का वी फॉलो है ना और जहां समझ में आ रहा है वहां तो होल्ड करो कोई प्रॉब्लम नहीं है है ना थैंक थैंक यू यस ओपो एस अच्छा ओके नो प्रॉब्लम यस चित्तरंजन जी

ट एक्सिस्ट टू इट हाँ तो oh. वहाँ पे लिंक हम लोग फैमिली ग्रुप में भी डाल देंगे और आपके सेशन hmm. ग्रुप में भी जाएंगे no, मैं तो, मैं, तो वो लिंक को आप क्लिक कर लीजिएगा तो ना नो प्रॉब्लम no आपको वो आपके बैच के ग्रुप में ही आ जाएगा वो फ्राइडे या सैटरडे no, को okay. आ जाएगा वो उस पर क्लिक कर लीजिए आप, आप अगर उस प्रोग्राम में तो आपको टेंशन नहीं हो सबको उस ग्रुप में बाई एंड ऑफ द सनडे आप लोग ऐड हो जाओगे सब लोग Uh, that is uh, just uh, 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 last trading session. I have told that I have taken a biker of ITC for next okay. month. I, I good or bad. Today you anyway. have taken or earlier. No, no, yesterday I have taken so Today I have exited with some profit. Again, in the evening, I have taken mm. it at the rupees 14. Okay. 14, okay. 784. 780, yes. 780 yes, it has broken. Now, uh, the ITC, now, until and unless this breakout candle, this one, right, 386. Until the yes. market does not make an hourly below it, it is it will be in the bullish side. So,

it is there, then you should also go and sell at least 400 call. right. 400 call, sir. but my capital is small. i cannot be expert in selling call. okay, okay. so uh, how much? Uh, because 1600 lot size is there. 1600 into. you yes. have yes. taken nearly uh, 15. so up uh, 15, 60 and 90.

सिक्स थाउजेंड इट विल देर तो ओनली ट्वेल्व थाउजेंड यू मोर यू रिक्वायर थर्टी सिक्स थाउजेंड विल बी योर रिक्वायरमेंट बट इफ यू बाय ओनली दिस युअर मैक्सिमम लॉस इज ट्वेंटी टू थाउजेंड मैक्सिम लॉस बट यू नॉट वेट टिल दैट बट स्टिल मार्केट कम दउन यू सफर अ लॉस ऑफ लेट्स ए फाइव टू सिस थाउजेंड राइट इफ इट ब्रेक्स डाउन बाय द टाइम इट ब्रेक्स डाउन बिलो three eighty five okay. and it comes okay. Okay. so five to okay. six thousand loss will be there now if you sell uh, okay. four hundred over here so your maximum loss will okay. go to uh, maximum loss will be around three thousand by the time it breaks so okay. currently your loss uh, by the time it break the structure it will be five to six thousand so you will be able okay. to reduce it by two thousand around uh, two to three thousand loss. By taking this, and the margin needed is thirty-seven thousand around. Right, buy okay. and sell uh, by selling four hundred call. 400 call. Taking... Right, so, uh, for, for 400 yes, four hundred call. call at five rupees. If you want to carry, that is fine. And the top loss would be around uh, close uh, below this, which will be three eighty-five. hourly close below three eighty-five. Well, another question is that in our syllabus, there is a content of the order flow analysis, okay. but I did not get anything regarding the order flow analysis. Which one? Order, for order flow, flow analysis. analysis. No, order flow analysis, in yeah. a way, it is just uh, zone based and everything. Order flow analysis, uh, in a way, the concept is very simple like where the order flow changes. So when the zones are there, right when in the market yeah. we have to identify that okay. zone as per the rules which we have uh, uh, told and when it breaks the zone then the order flow shifts so in a way people use order flow just for fancy terms but you know the basic ideology terms of order flow is that dominance is shifting that means a buyer dominance is established or a seller dominance okay. is established like for today when I see IC, uh, ITC make this WRC. It broke about your base oh, okay. building in early and also broke about the zone on the upside. So this okay. is a buyer order flow candle. So the candle which break out WRC, it is called as OF candle. But that's the only thing. The rest is same. So oh. since we uh, okay. that WRC is by uh, by default becomes order flow, right? So this is the OF candle oh. for the buyer because and below this if it oh. breaks. Then the order flow gets okay. disturbed. It means that if you are on the long side, you should exit. Right? Okay. I, I'll tell you what. Okay. Same what happened with the TCS set. is also like over there. Now this was the uh, TCS. It broke above this. This was the order flow candle. Now as soon as the market closed below this, sec the next day it disturbed the buyer. It disturbed the uh, buyer side. Now, what happened after that? Okay, okay, it, it has come down out. very rapidly. Rapidly means it will okay. come down 130 okay. points, 4% within a okay. matter of three days. Okay, right? okay. so for ITC okay. also, okay. if un until okay. unless it doesn't give an early closing below 385, you, you are safe, nothing to worry. Uh -huh. But since okay. ITC okay. can go sideways, so what will happen? Your option will start decaying okay. slowly, slowly so to prevent okay. that from happening okay. it is better you at least sell a 400 call option so it will provide you a good better edge right okay, okay. sir so another thing is that regarding the back mm -hmm. nifty I, I, I my mean, only chart shows that there is a next week call for next see, week, for next week for call you want account. to uh my, my, not a take any, No but I know it has to yet form either a base or a structure or till that time, right now, we shouldn't go in long in the bank nifty, right? It because this is a 40,000, it will make one, two weeks and then it will start. The best thing is that let it make the structure point, or best thing, let it make a zone over there and then let it break out with a RC like uh, uh, buying order. Then only you can make currently, okay. as per our setup, there is no long side trade okay. which is yet triggering in bank nifty, so uh, we'll have to wait.

the long trade based on that wrc close below wrc will be the stop loss right so you can okay. initiate that okay. aggressive but okay. for early if you want to initiate uh, for as per the early time frame we'll have to wait because it has yet to okay. form a structure point over here in early right okay. okay thank you okay 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 so thank you all Anna, for uh, attending the session Abhi, we will Uh, हो गया अपना टेन फोर्टी थ्री सो वील एंड द डाउट सॉल्विंग सेशन ओवर हियर एंड इसका रिकॉर्डिंग कल अपलोड हो जाएगा सो वी होप दैट यू लर्न समथिंग यूजफुल एंड कैसे मार्केट को देखना आपका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है हमारे लिए वही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यू आर एटलीस्ट गेटिंग टू नो यहाँ पे कुछ भी तुक्केबाजी से काम नहीं आपको करना है एक आप सिस्टमेटिकली काम करो देन एंड पाउंडस ओनली ऑन द राइट सेटअप्स तो आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली मार्केट देते हैं एंड आई हैव गॉट सो मेनी फीडबैक की देट ट्रीडिंग एंड एवरी थिंग माइंड सेट हैव इम्प्रूवड अ लॉट हम लोगों को वही चाहिए दैट इज़ वॉट वी आर डूइंग दिस फॉर एंड एक सिंपल चीज़ है कि जस्ट फॉलो द सेटअप्स दैट है आपको और ज़्यादा कुछ दिमाग भी नहीं लगाना है इफ यू जस्ट फॉलो द सेटअप्स क्योंकि मैं भी वही करता हूँ जो रूल्स है उस इज फॉलो इट एंड के गे इतना इंश्योर है कि आप उसको करके देखो आप मार्केट में लॉस नहीं बनाओगे मतलब लॉस मतलब एक वीकली लेवल पे इंट्रा पे कभी लॉस नहीं होगा स्विंग कर रहे हो तो मंथली लेवल पे लॉस नहीं होगा बिकॉज द बेस्ट थिंग अबाउट द सेटअप इज़ दैट वेन एवर वी लूज वी लूज ऑलवेज वी लूज स्मॉल ऑलवेज नेवर आप कभी देखोगे कि मैं बहुत बड़े रिस्क पर काम कर रहा हूँ राइट एंड देट इज वॉट हैज नाउ बिकम अ हैबिट फॉर मी आपको वो हैबिट अपने लिए डेवलप करनी है है ना टू ट्रेड विथ लो रिस्क शुड बिकम अ कंपल्शन आपके लिए कि वो कंपल्सरी करना है छोटे रिस्क में तो काम करना ही करना है बड़ा रिस्क है सीधा सेटअप को छोड़ दो डजेंट मैटर वो सेटअप वहाँ से पाँच परसेंट दस परसेंट जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट में सेटअप की इज कोई कमी नहीं है बहुत मिलेंगे एक से एक मिलेंगे और कोई फ़र्क नहीं पड़ता इवन इफ और ये मतलब ऐसा होना चाहिए कि हमको वी शुड बी चूज आप सेटअप अगर मिस भी कर रहे हो तो यू शुड भी एटलीस्ट प्राउड कि हाँ चलो ये सेटअप में रिस्क ज़्यादा है मैंने ये छोड़ दिया क्यों आपका माइंड सेट ऑटोमेटिकली यू विल सी चेंज होते रहता है है ना तो यू शुड ऑल्सो लर्न टू लीव सेटअप्स एंड एट द सेम टाइम जहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है एंड uh, वो सेटअप्स को देन वी शुड ऑल्सो उसको पकड़ना भी अच्छे से आना चाहिए तो बोथ द थिंग्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ग्रेजुअली वो आएगा एकदम से नहीं आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग आपका एक क्लियर माइंडसेट है तो वो इम्पोर्टेंट अब कल के बैंक निफ्टी के लिए ट्रेड प्लान भी मेरा बहुत सिंपल है ये जो भी जोन बनाया है फोर्टी थाउजेंड के ऊपर यहाँ पे ये जब तक ब्रेक नहीं होगा या नीचे जोन बनाया अब ये ये जो पूरा मार्केट है इसके बीच में पूरा साइडवेज रहेगा सो वॉट आई वॉन्ट इज़ दैट कि अगर मुझे सेल करना है तो मार्केट या तो पी के ऊपर ओपन हो के फिर फिक्रिंग एक्सपेंशन दे तब हम सेल करेंगे या फिर पी डी के नीचे जाके फिक्रिंग एक्सपेंशन देखिए ऊपर आए तब हम बाय करेंगे और एल्स मार्केट इस पूरे जोन के ऊपर एक डब्ल्यू आर सी बन रहा है अगर वो नहीं भी दे रहा है फिकरिंग एक्सपेंशन यहाँ कहीं ओपन हो रहा है डब्ल्यू आर सी अबव और डब्ल्यू आर सी बिलो दिस जो भी एक रहेगा जो आज का कल का लो है तो ये रेंज के ऊपर ही रहेगा क्योंकि दोनों साइड ऊपर तो स्पेस है नीचे ये ब्रेक करेगा तो थर्टी नाइन फाइव हंड्रेड के अराउंड तक स्पेस है विच इज़ द बजट डेलो राइट सो दैट इज़ हाउल वेट फॉर डायरेक्शनल ट्रेड एंड मार्केट अभी कंप्रेस हो गया है ये पूरे जोन में राइट right? बीच में जो रहेगा नो डायरेक्शनल ट्रेड ट्रैप करके आना चाहिए वो हमारा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है अगर आपको रिवर्सल ट्रेड करना है तो रिवर्सल ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ठीक है बीच में खुलेगा तो वी विल नॉट ट्रेड बट विल देन वेट फॉर द ब्रेकआउट सो आपने प्लान बना लिया सो देन यूर जॉब इज जस्ट टू एग्जीक्यूट द प्लान एज इट इज़ अब कल उसमें और कुछ मिर्च मिर्च मसाला नहीं डालना है जो है वो वैसा ही है अगर ऐसा थॉट प्रोसेस हो गया देन यू विल सी कि यूर माइंड सेट बिकम्स वेरी क्लियर यू बिकम कॉन्फिडेंट इन टेकिंग द ट्रेड्स फिर कॉन माइकेला रुकेगा यू विल डेफिनेटली मेक मनी राइट सो हैव बिलीफ इन यू आपको सेटअप पर ट्रस्ट बिल्डअप करना है और अगर सेटअप पर ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हुआ गो एंड बैक टेस्ट एक साल दो साल जितना आपको करना है बैक टेस्ट करो है ना रिजल्ट तो मिलने वाला है वो हम वी आर डूइंग इट फॉर सो मेनी ईयर सो वी नो इट गिव्स रिजल्ट फॉर यू यू हैव टू योर सेल्फ एस्टैब्लिश दैट ट्रस्ट राइट और वो उसको अगर बैक टेस्ट भी नहीं करना है करेंट मार्केट में ट्रेड करना है तो छोटे क्वान्टिटी में ट्रेड करो या पेपर ट्रेडिंग करो डू इट फॉर वो टू वीक्स थ्री वीक्स बिल्ड दैट ट्रस्ट एक बार आप पॉजिटिव आपका माइंड सेट हो गया है ऑटोमेटिकली यू विल सी

मंडे ट्यूसडे वेनजडे जब भी होगा तो हम लोग नोटिफाई कर लेंगे नेक्स्ट वीक एंड इसकी रिकॉर्डिंग कल अपलोड रात को मैं करूँगा देखता हूँ ट्राई करता हूँ नहीं तो कल मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगी डाउट सॉल्विंग की फॉर दोज हु ज्वाइन लेट है ना फॉर देम चलो फिर है ना गुड नाइट एवरी वन बाय बाय विल सी यू नेक्स्ट वीक इन द लाइव सेशन और कल अपडेट्स जो भी रहेंगे तो चैनल पर विल पुट इट टूदर गुड नाइट गुड नाइट एवरी वन बाय